नमस्कार विद्यार्थियों, हम फ्लो चार्ट के तहत या प्रवाह चार्ट के तहत हम पाठ संख्या 2 कर रहे थे। तो हमने वर्ण का, स्वर का, व्यंजन का, इन सभी का प्रवाह चार्ट किया है। और हमारे पाठ नंबर 2 में एक टॉपिक आता है, वो है र के संयुक्त रूप। ठीक है, क्योंकि र जो व्यंजन है वो आपका 3 तरह से लिखा जाता है, तो उसका उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो र को लिखने के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार। जो र व्यंजन है इसको 3 तरह से लिखा जाता है। एक जो र है उसको जो लिखा जाता है उसको नाम दिया है रेफ, दूसरे को दिया है पदेन, और एक तीसरे नंबर का जो र है उसकी पहचान बताई गई है कि वो र जो हमारे गोलाई लिए हुए व्यंजन हैं उनके नीचे ही उस र का प्रयोग होता है। इसको पर्टिकुलर कोई नेम नहीं दिया, लेकिन पहचान से हम ये बता सकते हैं कि इसकी इन व्यंजनों के नीचे पर्टिकुलर व्यंजन दे रखे हैं, मतलब मेन उन्हीं के नीचे लगता है और किसी के नीचे नहीं लगता ये। ठीक है, तो अब इनको हम थोड़ी सी विस्तार से जानते हैं कि रेफ र क्या होता है, पदेन र क्या होता है, और जो गुलाई लिए व्यंजनों के नीचे प्रयोग होता है वो र कौन सा होता है। ठीक है, जो रेफ है, रेफ जो र होता है उसको लिखने का क्या तरीका है, वो वाला र वो अगले वर्ण की शिरोरेखा पर अर्धवर्त वृत्त के रूप में लिखा जाता है। क्या समझे? अगला वर्ण मतलब जैसे ये चर्म है, चर्म यहाँ एग्जांपल दे रखा है, चर्म से अगला वर्ण कौन सा है? मैं की शिरोरेखा, शिरोरेखा होती है ये लाइन, उस पर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब होता है हाफ सर्कल। ये आपको हाफ सर्कल लग रहा है ना, अगर मैं सर्कल बनाऊँ तो सर्कल इस तरह बनेगा, और इस रेफ की पहचान क्या है? हाफ सर्कल। अर्धवृत्त का मतलब यही है कि आधा जो वृत्त, हिंदी में सर्कल को वृत्त बोलते हैं, तो सर्कल से आप जल्दी समझोगे। तो उन्होंने कहा है कि जो ये वाला रे है, कौन सा? रेफ वाला रे, ये हमेशा ही जो अगला वर्ण हमारा आएगा उसकी शिरोरेखा पर अर्धवृत्त के रूप में लिखा जाता है। अर्धवृत्त जैसे ये रहा, अर्धवृत्त लिखा है जैसे ये बताया आपको, इसका चिन्ह क्या है? इस तरह लिखा जाता है, यानी कि अगर किसी वर्ण के ऊपर इस तरह कोई साइन है, चिन्ह है, तो हम क्या करते हैं, हम समझ जाते हैं ये क्या है, ये र है। इस र का नाम क्या है? रेफ र है। तो उदाहरण दे रखा है आपको चर्म। अब चर्म में देखो मैं है, मैं के ऊपर र है और अगला वर्ण है, जैसे नेक्स्ट वर्ण है ना ये, और इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि अर्धवृत्त के रूप में हाफ सर्कल की तरह लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ? ये रेफ वाला र है। और इसका उच्चारण कैसे होगा? चर्म, कर्म, धर्म, यानी कि ये स्वर रहित है, हाफ है पहले ही, तो ये बोला हल्का सा जाएगा, जो हल्की चीज़ होती है वो तैरती है तो वो ऊपर आती है, तो इसीलिए ये आधा है, ये हल्का है, ये ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस वाले र को चर्म, कर्म, धर्म, ठीक है, अगर आपको इस तरह के कहीं पर ये वाला साइन दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं रेफ वाला र। ठीक है बेटा, फिर है दूसरा पदेन। पदेन के से आप नाम से ही पदेन से समझ जाओगे, पदेन पद होता है पैर, यानी कि जो र पैरों में लगता है, कौन से पैरों में? इन्होंने क्या बताया? व्यंजन के निचले भाग में टेढ़ी रेखा के रूप में इसको लिखा जाता है। देखिए इसका चिन्ह क्या है, ये टेढ़ी रेखा है, और जो व्यंजन होगा उसके पैर में लिखा जाएगा। उदाहरण देखिए, कद्र, कै और द व्यंजन है, व्यंजन के निचले भाग में, द ये नीचे वाला हिस्सा है, उसके भाग में, ये भाग मतलब इसके हिस्से में, कैसे? ये वाली टेढ़ी लगा दी रेखा, तो ये क्या हुआ? पदेन। पदेन मतलब ऐसा र जो वर्णों के पैरों में लगता है।
ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पदेन, पैरों वाला र। इसमें क्या होता है, इसमें कद्र, द्रविड़, द्रविड़, इसमें र पूरा होता है, इसमें हमेशा आधा होता है, रेफ में र आधा स्वर रहित और इस पदेन में स्वर सहित, ठीक है। अब बेटा तीसरा जो आपका तीसरा र बताया गया है उसकी पहचान क्या बताई है, गोलाई लिए व्यंजनों में उस र का प्रयोग होता है, ठीक है। चिन्ह देख लो, ये देखो इस तरह का चिन्ह होता है और जो गोलाई लिए हुए व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ठीक है, ये गोलाई लिए हुए गोल है ना, इनके नीचे ही ये वाला र लगता है और किसी व्यंजन के नीचे र नहीं लगता, जैसे ट्रक, ड्रम, ठीक है, राष्ट्रीय। तो इस तरह आपके जो र हैं उनके संयुक्त रूप बताए हैं, संयुक्त मतलब मिला जुला तीन रूप बताए हैं, और किसी व्यंजन को लिखने के अलग अलग रूप नहीं है, लेकिन जो र व्यंजन है उसके तीन रूप बता दिए, रेफ, पदेन और गुलाई लिए व्यंजनों के नीचे लगने वाला र, ठीक है। आपको पहचान बता दी, इनके नाम बता दिए, इनके उदाहरण दे दिए, तो ये र का संयुक्त रूप का हमारा प्रवाह चार्ट था। आप इसको पाठ नंबर 2 में और थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेना। वैसे तो सारी जो मेन मेन बातें थी, मुख्य बातें थी, मैंने इसके द्वारा या इसके थ्रू, इस प्रवाह चार्ट के द्वारा आपको बता दिया बेटा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको और भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तो वो सारा वैसे हम बाद में जब क्लास में करेंगे डिस्कस, तो आपको पढ़ा भी दिया था, समझाया भी था, लेकिन फिर भी प्रवाह चार्ट याद करना है तो आपको थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना कि हमें लिखना कैसे है, क्योंकि जब भी टेस्ट होता है, जब भी पेपर होते हैं, तो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी आना चाहिए। आप ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाओगे या ऐसे ही लिखोगे उसके बारे में, तो उससे वो इम्प्रेशन नहीं पड़ता। तो अगर अच्छे नंबर आपको लेने हैं, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो पेपर टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका भी आना चाहिए। तो ये आपका बेटा संयुक्त रूप था सेकंड लेसन का, और जो सेकंड लेसन का लास्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो और हमारी लास्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस लेसन के सभी जितने भी फ्लो चार्ट हैं उनको रीड करो, याद करो।